नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आपको प्रस्तावना कौशल में उद्देश्य कथन किस तरह से बोलना चाहिए और आपको प्रकरण प्रस्तावना कौशल में किस तरह से लिखना चाहिए, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप प्रस्तावना कौशल में प्रश्न पूछोगे, प्रश्न पूछने के बाद में आपको बोलना है कि अच्छा बच्चों, तो आज हम खालिस्तान टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार से पढ़ेंगे। तो उस तरह से मान लीजिए, अगर आप प्रकरण लेना चाहते हो वर्षा, मान लीजिए वर्षा प्रकरण लेना चाहते हो, तो इसको पहले आप बोलोगे कि अच्छा बच्चों, आज हम वर्षा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अथवा विस्तार से पढ़ेंगे। इस तरह से बोलकर आपको क्या है, अपना प्रकरण वर्षा नाम लिख देना है और इसको एक बार में इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। इस तरह से आप उद्देश्य कथन परफेक्ट तरीके से बोल सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह की माइक्रो टीचिंग से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें और वहां पर आप देख लीजिए, माइक्रो टीचिंग की आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।